वेलकम बैक, यूएमबी न्यूज देख रहे हैं आप। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा 9 मई को पूरे देश के मौसम का हाल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप बताइए किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें, चक्रवात आसानी का दिखेगा असर, 15 राज्यों में 12 मई तक अलर्ट जारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 12 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्यों में काफी व्यापक रूप से हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। एक पूर्वी पश्चिम तरफ रेखा उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश से मेघालय की ओर आ रही है और दक्षिण पश्चिमी हवाएं बंगाल की खाड़ी से निचले क्षोभ मंडल स्तरों में आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और ओडिशा में छुटपुट से मध्यम वर्षा का अनुमान है। साथ ही अलग अलग गरज बिजली और तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति आसपास का क्षेत्र बना रहेगा। नागालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग स्थानों पर आंधी और भारी बारिश अगले 4 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। आईएमडी ने 7 मई को भविष्यवाणी की थी। आईएमडी के अनुसार असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तटीय क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना है। आंध्र प्रदेश, यानम, रायलसीमा, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, अन्य जगहों पर 8 मई को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, पश्चिम राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश और विदर्भ में अलग अलग इलाकों में गर्मी की लहर की स्थिति जारी रहने की बहुत संभावना है। क्षेत्र में 9 मई को बिजली गिरने के साथ गरज के साथ इसी तरह के पैटर्न के साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। बिहार, झारखंड में भी अलर्ट। साल का पहला चक्रवाती तूफान आसानी का असर आज यानी रविवार से दिखेगा। इस साइक्लोन ने शनिवार को अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी में एंट्री की, जिसके बाद आईएमडी ने ओडिशा और बंगाल में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 मई को ओडिशा के पुरी, गंजाम के समुद्री तटों से तूफान टकरा सकता है। आईएमडी ने बताया, तूफान के दौरान हवा की स्पीड 125 किलोमीटर घंटा रह सकती है। इधर बिहार, झारखंड के कुछ जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा में 7.5 लाख लोगों को निकालने की तैयारी। ओडिशा स्पेशल रिलीफ कमिश्नर पीके जेना ने बताया कि सरकार समुद्री तटों पर रहने वाले करीब 7.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने की तैयारी कर चुकी है। तूफान की स्पीड अधिक रहने का खतरा हुआ तो लोगों को तुरंत दूसरी जगह ले जाया जाएगा। तूफान का डायरेक्शन बदल सकता है, आईएमडी ने कहा। कोलकाता के निदेशक जीके दास ने कहा कि तूफान अभी बंगाल की खाड़ी में उच्च दबाव में है। आने वाले कुछ घंटों में तूफान का डायरेक्शन बदल भी सकता है और यह ओडिशा के बजाय बंगाल के किसी समुद्री तट से टकरा सकता है। झारखंड, बिहार समेत इन राज्यों पर होगा असर। चक्रवाती तूफान आसानी का असर ओडिशा के अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साल 2022 का पहला साइक्लोन आसानी इस साल का पहला चक्रवाती तूफान है। इससे पहले 2021 में 3 चक्रवाती तूफान आए थे। दिसंबर 2021 में साइक्लोन जवाद, वही सितंबर 2021 में साइक्लोन गुलाब ने दस्तक दी थी, जबकि मई 2021 में साइक्लोन यास ने बंगाल, बिहार समेत कई राज्यों में कहर बरपाया था। आईएमडी ने कहा कि चक्रवात के उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में एक भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवाती तूफान के 10 मई तक उत्तर पश्चिम की दिशा में बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के सटे उत्तर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों की ओर बढ़ने के आसार है। इसके बाद यह उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ मुड़कर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में ओडिशा तट की ओर बढ़ सकता है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने शनिवार को स्पष्ट किया कि चक्रवात के ओडिशा या आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों से टकराने की आशंका नहीं है, लेकिन यह समुद्र में तटीय क्षेत्र के समानांतर गमन करेगा। बंगाल की खाड़ी में आया तूफान रविवार को तेज होकर चक्रवात में बदल गया, जिसकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि आसानी नाम के चक्रवाती तूफान के अगले 24 घंटों में और तेज होने की आशंका है। हालांकि चक्रवात के तटीय क्षेत्र से टकराए बिना अगले हफ्ते तक कमजोर पड़ने की आशंका है। मौसम कार्यालय ने कहा कि चक्रवात के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की आशंका है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें यूएमबी न्यूज़।